हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आप सबका ब्रह्मास्त्र क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो आज अब तक हमने काफी सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था और मेरे आई होप कि आपने उनको बार बार रिवाइज किया, क्योंकि आप जब तक उनको रिवाइज नहीं करेंगे आगे आप उनको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और आप तभी ट्रिक बना सकते हो, ट्रिक भी तभी काम आएगी जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली बात सारी बात आके पढ़ाई पे टिक सकती है। अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगे, अपने आप सारी चीजें क्या करोगे, मगअप कर पाओगे और बार बार वो चीज को रिवाइज करने पर अपने आप माइंड में फिट हो जाती है। ठीक है, तो देख लिए आज हम और बाकी के आगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वर्ड आता है अपना। देखो फर्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट और दूसरा क्या है फ्लॉन्ट। देखो दोनों में डिफरेंस समझो। फ्लॉन्ट इसका मतलब क्या है, FLAUNT, फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना बेसिकली, यानी कि ऑस्टेंटेशियसली मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेशियसली मतलब होता है दिखावा, दिखाना कोई चीज, शो करना मतलब क्या होता है, फालतू का दिखावा करते हैं ना बेसिकली, बात वो है। लेकिन आजकल इसको अच्छे वे में भी यूज करने लगे, जैसे कि फ्लॉन्ट योर स्टाइल, अपनी स्टाइल को दिखाओ, समझ आ रही है, वैसे यूज करने लगे थे। न्यूली रिच कंज्यूमर से ईगर टू फ्लॉन्ट देयर प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि, समृद्धि ना, जो क्या होते हैं न्यूली रिच, जो नए नए रिच होते हैं ना, वो अपने क्या बोलते हैं, ईगर होते हैं, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होता है, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होते हैं किस चीज को, किस चीज के लिए उत्सुक होते हैं, वो उत्सुक होते हैं किस चीज के लिए, अपनी स्टाइल, अपने आप को दिखाने के लिए ना, दिखावा करने के लिए बेसिकली बात है। ठीक है, ये वर्ब है ना, इसीलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट है ना, फ्लोट। दूसरा आता है फ्लोट, फ्लोट का ये भी ये क्या है, वर्ब है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, अनादर करना, मोक डिसरिगार्ड ए रूल और कस्टम, कोई कस्टम तो समझ लियो ना, जो कस्टम होते हैं अपने क्या बोलते हैं सोसाइटी के नियम वगैरह होते हैं, उनको रूल को क्या करना, डिसरिगार्ड करना, उनका अपमान करना, उसको ना मानना बेसिकली। ठीक है, तो द एडवर्टाइजिंग कोड इज बीइंग फ्लोटेड, मतलब जो एडवर्टाइजिंग कोड था उसको क्या किया गया, उल्लंघन किया गया उसका। ठीक है, द वुमेन पॉइंटेड एंड फ्लोटेड एट हर, उसको क्या किया, उसने पॉइंट किया और उसको क्या किया, अनादर किया बेसिकली, मतलब मोक करना, मोक करना, मोक करते हैं ना, तो चिढ़ाना बेसिकली, तो उसको चिढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है फॉर्चुटस एंड दूसरा है फॉर्चुनेट, है ना। फॉर्चुटस का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, यानी हैपनिंग बाय चेंज, मतलब क्या होता है, एकदम से कोई चीज आती है, दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, इंपोर्टेंट बात क्या है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। मैंने आपको बता दिया था एडजेक्टिव हमेशा आपको पता है नाउन के साथ यूज करते हैं ना, तो द सिमिलरिटी बिटवीन द पेंटिंग्स मे बी नॉट बी सिंपली फॉर्चुटस, यानी कि ये नहीं कि आप मतलब क्या होते हैं, हाँ जो फॉर्चुटस आकस्मिक नहीं है, मतलब क्या होती है कि ये बोलते हैं ना, ये कोई चीज है ना, ये बोलते हैं ना, जैसे हम बताते हैं कि ये क्या है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब रेंडमली हो गई है ना, ये रेंडमली हो गई है ना, तो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, तो मे नॉट बी सिंपली फॉर्चुनेट, मतलब ये नहीं कि आकस्मिक है कोई चीज। ठीक है, द बॉल वेंट इनटू द गोल बाय ए फॉर्चुनेट रिकोसेट, रिकोसेट पता है क्या था, रिकोसेट का मतलब होता है किसी बॉल को जिसे बाउंस करती है ना कोई चीज, उछलती है, उसकी बात कर रहा है। द बॉल वेंट इनटू द गोल बाय ए फॉर्चुनेट रिकोसेट, मतलब फॉर्चुनेट रिकोसेट से अंदर से एकदम से क्या करके अंदर चली गई। ठीक है, फॉर्चुनेट का मतलब सबको पता होता है, यानी भाग्यशाली, लकी होना, शी हैड बीन फॉर्चुनेट टू एस्केप सीरियस इंजरी, वो क्या है, फॉर्चुनेट रही किससे भागने के लिए, मतलब किससे दूर रही, सीरियस इंजरी से, है ना, ए मोस्ट फॉर्चुनेट मैच फॉर अवर डॉटर, सीधी सी बात है, ए फेडरल प्रोग्राम एम्ड एट हेल्पलेस हेल्पिंग लेस फॉर्चुनेट फैमिली। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आता है, दोनों वर्ड लीजिए, फे देखो तीन वर्ड है, तीनों वर्डों को समझो, एक तो होता है फेलिसिटी, दूसरा होता है फैसिलिटी और तीसरा होता है फैकल्टी। देखो तीनों के तीनों नाउन है, फेसिलिटी का तो फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना, एक तो होता है फेसिलिटेट करना, फेसिलिटेट मतलब किसी का मतलब आदर करना, तो सॉरी किसी का स्वागत करना बेसिकली बात, वो आदर करना ही हो गया एक तरह का ना, तो और फैकल्टी, फैकल्टी हो गया, देखो फेलिसिटेट का मतलब हो गया नाउन, यानी प्रसन्नता, ए ब्लेसिंग और हैप्पीनेस, है ना। ठीक है, ही एक्सपोज्ड एट कर्नेल ऑफ द मैटर विच विद हिज कस्टमरी एलिगेंस एंड फेलिसिटी, यानी कि उसकी जो कस्टमरी एलिगेंस थी उससे क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। ठीक है, प्रसन्न था, ए बुक फुल ऑफ माइनर फेलिसिटी, ए बुक फुल ऑफ माइनर फेलिसिटी, यानी कि माइनर यानी छोटी छोटी, माइनर का मतलब होता है छोटी छोटी, छोटी छोटी जो फेलिसिटीज थी है ना, जो खुशियां थी है ना बेसिकली, छोटी छोटी खुशियां होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है।
ना माइनर का मतलब एक और पता है ना, नाबालिग होता है, माइनर का मतलब दूसरा मीनिंग नाबालिग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है माइनर फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब छोटे छोटे, फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा, इजी और कंफर्ट। भाई फैसिलिटी होती है वहां पे इजी रहता है ना, ये इज है, इज और कंफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फैकल्टी। पहले देखो फैसिलिटी पढ़ लेते, देखो कुकिंग फैसिलिटी सबको पता है, ही हेड है फैसिलिटी फॉर लैंग्वेज, है ना, इसकी फैसिलिटी यानी कि किसकी मतलब किसमें इजी है वो लैंग्वेजेज में, ठीक है। फैकल्टी का, फैकल्टी का मतलब क्या हो गया, कार्यक्षम, कार्य शक्ति, कॉलेज का विभाग यानी अध्यापन, एबिलिटी डिपार्टमेंट टू कॉलेज द पीपल हु टीच। देखो फैकल्टी तो सबको पता है ना, इस कॉलेज में क्या फैकल्टी है, इस कॉलेज में क्या फैकल्टी है, या फिर क्या है आपकी एबिलिटी कितनी है, बेसिकली बात ये। देखो एज ए फैकल्टी फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव लेते हैं ना, कोई मतलब इनिशिएटिव लेना कि कोई पहला काम लेना, जैसे कि शुरुआत करना किसी चीज की, है ना, बेसिकली बात ये, ठीक है। द फैकल्टी ऑफ आर्ट, दोनों को दोनों समझ में आ गई, द फैकल्टी फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने को, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, कोई चीज शुरुआत करी, कोई कदम उठा रही है, इनिशिएटिव मतलब होता है कोई कदम उठाना, बेसिकली है ना, कदम उठाना, कदम उठाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है फेटल, यानी कि इसका मतलब होता है डेड, डेडली, और दूसरा आता है फेटफुल, दोनों के दोनों क्या है एडजेक्टिव है। फेटल का मतलब होता है घातक, यानी कि क्या होता है ए फेटल एक्सीडेंट, समझ में आ गई। देयर वर थ्री फेटल फ्लॉज इन द स्ट्रेटजी, है ना, स्ट्रेटजी यानी योजना होता है, स्ट्रेटजी बेसिकली का मतलब क्या होता है योजना, योजना, योजना में क्या थे फ्लो थे, फ्लो का मतलब क्या थे दोष, कमियां, दोष या क्या होता है कमियां थी, कितनी कमियां थी थ्री फेटल, यानी कि बहुत ही घातक कमियां थी उसके अंदर। नेक्स्ट रहता है फेटफुल, यानी कि होता है महत्वपूर्ण परंतु नकारात्मक परिणाम युक्त, इंपॉर्टेंट बट विद यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट, फेटफुल, फेटफुल का मतलब जैसे फेटफुल का मतलब दुर्भाग्यशाली मान सकते हो, बेसिकली बात ये है, ठीक है। जैसे फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली, वैसे उसका मतलब होता है। देखो फेटफुल ओवरसाइट, फेटफुल ओवरसाइट यानी कि कोई दृश्य होता है ना, फेटफुल ओवरसाइट यानी कि देखना कोई चीज को, ठीक है। पेन, पेन का मतलब होता है खुशी, ग्लेडली एडजेक्टिव है। दूसरा आता है पेन, इसका ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई चीज को शो करना, जैसे हमने वो पहले वर्ड पढ़ा था ना उसी से रिलेटेड है, इसका मतलब भी बेसिकली क्या आता है दिखावा करना होता है, ठीक है। तो ये पेन, अच्छा याद करोगे कि एफ आई एन पेन होता है, नॉर्मली अपने जो फैन चलता है उसका स्पेलिंग क्या होती है फैन, ठीक है। तो फैन आपको गर्मियों, गर्मियों में जब फैन चलता है तो उससे क्या मिलती है आपको खुशी मिलती है, खुशी मिलती है नहीं मिलती, तो फैन से चलने से क्या मिलती है खुशी मिलती है, तो इससे क्या करोगे फैन यानी ग्लेडली। द ट्रेवलर वाज फैन टू प्रोसीड, यानी कि वो खुश थे कि कोई काम करने से शुरू करने से, ठीक है, प्रोसीड आगे बढ़ने से। ए वाज फैन टू एक्नॉलेज दैट द एग्रीमेंट वाज सेक्रोसेंट, सेक्रोसेंट का मतलब होता है होली, बेसिकली होली, होली या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलते हैं ना आपके पवित्र, बेसिकली पवित्र होना है ना, पवित्र कोई चीज होती है, तो एग्रीमेंट क्या था सेक्रोसेंट था, होली था ना, पवित्र था, जिसको हम जैसे अच्छा इसको सेक्रोसेंट को कैसे याद रखो, सपोज करो बहुत सारे सैकड़ों संत, संत कैसे साउंड आ रहा है इसका, सैकड़ों संत, सैकड़ों संत एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है वो जगह पवित्र हो जाती है ना, तो सैकड़ों सेंट का मतलब होता है होली या पवित्र। देखो ही वाज फैन टू एक्नॉलेज, है ना, एक्नॉलेज करने के लिए दैट द एग्रीमेंट वाज सैक्रोसेंट। देखो अब आता है फैन, इसका मतलब मैंने आपको बताया टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, कुछ महसूस करने का प्रिटेंड करना, एक्चुअली फील नहीं करा बट दिखावा करना बेसिकली, है ना, तो दिखावा करना होता है, ठीक है, ये दिखाया नहीं दिखावा करना, दिखावा है ना जो सच नहीं है। देखो सी फेंड नर्वसनेस, उसने किसको दिखाया नर्वसनेस होने का, झूठा दिखावा किया है ना, झूठा दिखावा करना बेसिकली, ठीक है। द फ्लावर एंड ग्राउंड, देखो दोनों के दोनों, फ्लावर क्या होता है नाउन होता है और ग्राउंड होता है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, देखो दोनों को समझेंगे कि क्या फर्क होता है। देखो फ्लोर होता है द फर्श, द फ्लैट सरफेस ऑफ द रूम ऑन विच वी वॉक, और ग्राउंड क्या होता है द सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि जैसे फ्लोर दे दिया रूम का दे दिया, अगर रूम यूज करना है रूम के लिए यूज करना है, दोनों ग्राउंड के लिए नहीं होता, ग्राउंड का मतलब होता है बाहर कोई जमीन, जैसे आपको आपके घर के बाहर जितना भी फ्लोर जितना भी कोई ग्राउंड होगा वो सारा ग्राउंड में आ जाता है, और रूम के अंदर जितना भी फर्श होगा वो क्या आ जाता है फ्लोर में आ जाता है, ठीक है, या फिर आपके घर में होता है वो फ्लोर में आ जाता है, ठीक है। द वुडन फ्लोर, वुडन फ्लोर यानी कि जो लकड़ी का फ्लोर होता है। द बेस्ट वे टू प्ले इन पास इज पास द बॉल ऑन द फ्लोर, है ना, पास करना बॉल को ऑन द फ्लोर, ठीक है। ये होते हैं दोनों नाउन या वर्ब, दोनों में कैसे यूज करते हैं, देखो नाउन के लिए कैसे यूज करेंगे, ही ले ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे क्या हो गया लेट गया, बाहर जो ग्राउंड है उसकी बात कर रहा है ना।
सोर डंपिंग कैन पोल्यूट फिशिंग ग्राउंड्स, जो सोर डंपिंग है, सोर पे जो कचरा फेंकना है वो क्या कर सकता है, फिशिंग ग्राउंड्स को क्या कर सकता है, पोल्यूट कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, अब वर्ब की तरह किस यूज, कैसे यूज किया है, देखो, रादर देन बी ब्लोवन अप मूलर ग्राउंडेड हिज शिप ऑन द कोरल रीफ। कोरल रीफ जो मुंगाई चट्टान है उस पे क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेसफुल और दूसरा आता है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है मर्सीफुल और ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। और ग्रेसफुल का मतलब होता है भव्य, कोई बहुत ही सुंदर होता है, ग्रेसफुल है ना, इससे दिखने में अट्रैक्टिव हो बेसिकली। देखो ना, सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, सी वॉज ए टॉल गर्ल स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है पतली, स्लेंडर का मतलब क्या होता है, पतली है ना, एकदम दुबला पतला होता है ना, उसको बोलते हैं, है ना। एंड ग्रेसफुल, भाई कोई भी गर्ल होती है सब पतली होना चाहते हैं ना, पतली होते हैं जो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं बेसिकली, बात ये क्यों दिखना चाहते हैं, क्या कि अट्रैक्टिव दिखे, तो इसलिए क्या बोल रहा है, सी वॉज ए टॉल स्लेंडर इन पतली और ग्रेसफुल, यानी कि दिखने में बहुत ही क्या थी, हैंडसम, जो क्या थी, ब्यूटीफुल या ग्रेसफुल या सुंदर या भव्य बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेसियस का मतलब होता है मर्सीफुल या दयालु, कोई चीज, कोई आदमी दयालु होता है ना, उसके लिए होता है ग्रेसियस, है ना। देखो ग्रेसियस से ही भाव आ रहा है कि ग्रेसियस है ना, दयालु, ठीक है, मर्सीफुल है ना, मर्सी दिखाना। ग्रेसियस का मतलब क्या होगा, मर्सी। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, देखो इसमें होता है ग्रेसफुल, यानी क्या होता है, इसमें फुल नहीं आ रहा, इसमें मर्सीफुल आ रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ग्रेसियस, या फिर इससे याद रखो कि MERCI, मर्सी ग्रेस, मर्सी ग्रेसी, याद क्या रखोगे, मर्सी ग्रेसी, मर्सी क्या है, ग्रेसी, मर्सी ग्रेसी, ठीक है, समझ में आ गई, मर्सी ग्रेसी। ठीक है, मर्सी का मतलब होता है दयालु। द ग्रेसियस होस्टेस, यानी कि जो दयालु क्या थी, होस्टेस थी, आई एम सेव्ड बाय गॉड्स ग्रेसियस इन इंटरवेंशन ऑन माई बिहाफ। ठीक है, आगे देखो, द एक्सेशन ऑफ हर प्रेजेंट ग्रेसियस मेजेस्टी, है ना, ग्रेसियस मेजेस्टी है ना, दयालु मेजेस्टी, जो क्या बोलते हैं हम, पहले राजा महाराजा के मेजेस्टी बोलते हैं ना, गॉड बेसिकली भगवान या फिर मालिक को बोलते थे, है ना। गेट, ये गेट आपको सबको पता है, नॉर्मल गेट होता है, गेट का मतलब क्या होता है, द्वार होता है सबको, तो ये जो गेट आता है इसके अंदर क्या होता है, चलने का तरीका, पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। ठीक है, देखो, सी क्लोज द डोर फ्रंट गेट, सी वेंट आउट ऑफ द गेट, इजी है, दोनों के दोनों बहुत इजी है। द इजी गेट ऑफ द एथलीट, इजी गेट यानी कि जो इजी गेट, जो चलने का तरीका है वो क्या है, पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, जो चलने का तरीका है एथलीट का। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड आता है गवर्नमेंट, यानी पेटू ए ग्लूटेन, और ये क्या है, नाउन है दोनों के दोनों, और दूसरा है गवर्नमेंट यानी कि नाउन, ये क्या होता है, पाक कला का पार्ट, ये फूड कनेसोर, कनेसोर का मतलब क्या होता है, देखो इसका पहले इसका देख लेते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मेंड समझे, गवर्नमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट मेन क्या होता है, मेन खाता है नहीं खाता, मेन क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, खाता है नहीं खाता, बहुत पेटू होता है। ठीक है, तो इससे ग्लूटेन, ग्लूटेन का मतलब भी होता है भुक्कड़, भुक्कड़ या पेटू, जो भुक्कड़ होता है ना, बहुत ज्यादा खाने वाला होता है, उसके लिए होता है। एवरीथिंग फॉर एवरीवन फ्रॉम द स्नेकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज ए लवर ऑफ गुड फूड, गवर्नमेंट जो भुक्कड़ होते हैं वो अच्छा खाना खाने के क्या होते हैं, लवर होते हैं, प्यारे होते हैं। भाई देखे हुए ना, कोई भुक्कड़ होता है आपकी फेम, आपके ग्रुप में भी ऐसा भुक्कड़ होता है ना, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है नाउन, पाक कला का पार्क, ये फूड कनोसर मैंने आपको बताया, कनोसर का मतलब होता है कला का पार्क, इंपॉर्टेंट बात है ना, फूड का पाक सब समय आएगी, कला का पार्क या फिर कोई एक्सपर्ट, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट होता है ना कोई किसी क्षेत्र में, है ना, उसको बोलते हैं कनोसर। कनोसर मतलब वो क्या, ये अलग वर्ड भी आता है, COOOOOR, समझ में आएगी, ये क्या होता है, ये एक्चुअली में ऐसे भी आता है, आपके स्पेलिंग करेक्शन में भी आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट मतलब हो गया करेक्ट, है ना, जो आप देखो कौन सी गवर्नमेंट होती है, कौन सी गवर्नमेंट होगी, इसको कैसे लिखोगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, अब मेरे को बताओ कोई गवर्नमेंट लोगों के गवर्नमेंट एक्सपर्ट होगी तब वही तो चुनाव जीत पाएगी ना, तो इससे क्या याद रखोगे, कोई गवर्नमेंट है जो खाने में क्या है, खाने के लिए लोगों की, लोगों के अंदर जो खाने में एक्सपर्ट होगा वो गवर्नमेंट होगा, तो कैसे याद रखोगी कि जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, एक्सपर्ट होगी, वही क्या करेगी, लोगों के अंदर क्या होगी, जीत पाएगी, यानी कि वो क्या होगी, एक्सपर्ट होगी, उनको कला का पार की होगी, अरे तभी तो वो जीत पाएगी। देखो इसीलिए याद है, एक गवर्नमेंट लाइक हिम ऑलवेज ईट्स इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाता था, है ना, जो अच्छा खाने का शौकीन होता है ना, अच्छे खाना देखने का। ए कैफे सर्व्स ए असॉर्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, असॉर्टमेंट तो मतलब होता है कि
जैसे आप देखो असोर्टमेंट और मिक्सर हो गया बेसिकली। असोर्टमेंट का मतलब क्या होता है? मिक्सर, ठीक है। असोर्टमेंट क्या हो गया? मिक्सर हो गया, ठीक है। लास्ट वर्ड आते हैं अपने, देखिए पहला है हियर और दूसरा है लिसन। हियर का मतलब होता है दोनों के दोनों क्या है? वर्ब है, लेकिन जो लिसन है वो नाउन में भी यूज होता है, ठीक है। हियर यानी टू रिसीव ए साउंड, आपको कोई आई हियर्ड हर वॉइस, यानी कि मेरे को उसकी साउंड सुनाई दी ना, मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है, तो वो क्या हो गया? मैंने सुना है, मतलब मेरे को कोई बाहर बोल रहा है तो मेरे को आवाज सुनाई थी, मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझ में आ गई। और लिसन होता है आप कोई चीज को ध्यान से सुनते हो ना, है ना, आपको आपको किसी ने बोला और आप उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको लिसन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को लिसन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? लिसन करना। लेकिन हियर हो गया, अगर रेंडमली कोई कानों में आवाज पड़ रही है उसको क्या हो गया? हियर हो गया। शी जस्ट डजंट हियर व्हाट आई एम टेलिंग हर, है ना। बिहाइंड हर शी कुड हियर मेन्स वॉइस, उस पीछे क्या आवाज, आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, ठीक है। ठीक है, दोनों समय आ गए। टू हियर लिसन केयरफुली, ये वर्ब की तरह यूज होता है। एविडेंटली ही वॉज नॉट लिसनिंग, यानी एविडेंटली मतलब क्लियरली, मतलब ये जाहिर तौर पर बात ये कि क्लियरली बात, क्लियरली मतलब इसका होता है क्लियरली वो जान, मतलब क्या होता है ये सुन नहीं रहा था वो, है ना। नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे? रेडियो प्लेज ए डेफिनेटली वर्थ ए लिसन, है ना। जो रेडियो का है वर्थ ए लिसन, सुनने को क्या करता है? जरूर करता है। चलिए आज के लिए इतने सेंटेंस थे, इतने वर्ड्स थे, आप आई होप कि आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे, है ना। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।